जी अस्सलाम वालेकुम फोक्स, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक हैं? यार ये आज ना बैरिया टाउन पिंडी का आपको मैं मानसून बताता हूँ। मानसून हैज़ स्टार्टेड, बारिश हो रही है, अपर नॉर्थ के ऊपर भी बारिश हो रही है और ये आज फर्स्ट डे है पिंडी इस्लामाबाद में कि ये रेन स्टार्ट हो गई है एज़ पर गवर्नमेंट नोटिफिकेशन महकमा मौसम याद की तरफ से। ये इट विल कंटिन्यू टिल 20 मोर डेज और रहमत है जी अल्लाह की। इतनी गर्मी थी 43-44 और अब ये बारिश हो रही है। ये देखें, ये बैरिया टाउन फेज़ 8 की एंट्रेंस है 7 के थ्रू और यहाँ पे आपको बड़ा अच्छा वेदर नज़र आएगा। वो पहाड़ों के ऊपर आप देखें, वहाँ भी काफ़ी अच्छी क्लाइमेट चेंज आई हुई है और ये बारिश होती है, ये सारा इलाका बहुत ग्रीन ग्रीन हो जाता है। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, यहाँ पर आप टाइम स्पेंड करें अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ और यहाँ पर डाइनिंग और मूवीज़ और तमाम एक्टिविटीज़ यहाँ पे बड़ी ज़बरदस्त होती हैं। तो ये भी आपको ना लाइफ आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे बारिश किस तरह होती है और किस तरह रोड साइड के ऊपर पानी स्लोप से नीचे आता है और यहाँ की आप ब्यूटी देखें, यहाँ के दरख्त देखें। राइट साइड पे ये समा रिवर है, वो भी आपको नज़र नहीं आएगा इस कैमरे में, अगर ये ज़रा हाइटेड प्लेस में जाऊँ तो आपको नज़र आ जाएगा। और यहाँ पे फैसिलिटीज़ काफ़ी अच्छी हैं ड्रेनेज की, पानी निकल जाता है, पानी खड़ा नहीं होता, सेवेज बड़ा अच्छा है बैरी टाउन फेज़ 8 का। हाँ, यहाँ पे गर्मियों के अंदर ना चौंसा है पानी की सप्लाई जो सी है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है, तो लाहौर फैसलाबाद की तरह बेड नहीं है यहाँ पे, सैंड बेड जिसमें से पानी आप 250-300 फुट करें और फौरी आ जाए ना, और यहाँ पर सप्लाई उस हिसाब से ज़्यादा कमज़ोर होती है। अदरवाइज़ आपको यहाँ का वेदर बहुत अच्छा लगेगा, गर्मियों में भी ना यहाँ पे अच्छा मौसम रहता है और सर्दियों में तो बहुत ठंड होती है। जो मलिक रियाज साहब ने ना ये जो बैरिया के जितने भी कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराए हैं, मेरे ख्याल से ये पायनियर हैं इन चीज़ों को डेवलप करने में और सब लोग इनको फिर फॉलो करते हैं। सो जिसने भी बैरिया पे 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6 फेजिस में पिंडी में रहना है, कुछ बैरिया के फेजिस इस्लामाबाद में आते हैं, कुछ पिंडी में आते हैं, तो ये अच्छी जगह है रहने के लिए। हर जगह कोई ना कोई शॉर्ट कमिंग्स होती हैं लेकिन आपको सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ों को देखना चाहिए और वो यहाँ की ग्रीनरी है, वो यहाँ की मेंटेनेंस है, वो यहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड और स्टाइल है। तो इसको आप देखें, ज़रूर विज़िट करें और आई होप कि आपको एक थोड़ा सा ग्लिम्स मिल गया होगा कि बैरिया टाउन फेज़ 8 रावलपिंडी में कैसा इन्वायरमेंट होता है और जब रेनी सीज़न होता है तो कैसा वेदर होता है। और सर्दियों का भी मैं आपसे वीडियो कुछ अर्से में शेयर करूँगा व्हेन विंटर्स विल कम इन। सो अभी ये आप देख सकते हैं, ये सनसेट भी नज़र आ रहा है आपको राइट साइड पे और अभी हम ये कमर्शियल एरिया से जा रहे हैं बैरिया फेस 7 के ना, ये लेफ्ट साइड पे आपको सारी कमर्शियल बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं, ये कमर्शियल हब है। राइट साइड पे अगर आप देखें तो अक्रॉस द रोड दैट इज़ DHA और ये DHA वाली साइड है और ये फ्रंट जो सा है ये सारा आपका बैरिया यहाँ पर आपको नज़र आएगा। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें, उन सब लोगों से शेयर करें जो बैरिया पिंडी आना चाहते हैं या यहाँ के वेदर या एनवायरनमेंट के बारे में पता करना चाहते हैं। और सेकेंडली आपको ये भी मैं बताऊं कि आपने मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करना है, चैनल सब्सक्राइब करें और इसकी लाइक्स बढ़ाएँ, इसके व्यूशिप को बढ़ाएँ ताकि मैं और इस तरह की वीडियोज़ आपके साथ शेयर करता रहूँ। सो मेरी तरफ से थैंक यू, विल सी यू अगेन इंशाल्लाह।